साथी के साथ प्रीत की रीत निभाने का समय है। साथी ने प्रेम दिया, सहयोग दिया, हिम्मत दी, उल्लास दिया, अनेका अनेक रंग दिए, जीवन को सुरमई बनाने के लिए रंग, जीवन में प्रकाश लाने के लिए ज्योत, प्रकाश लाने के लिए ज्योत और सुरमई बनाने के लिए रंग। आस्था और विश्वास की डोर में बंधन का धागा दिया, बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए दशहरा दिया। प्रेम का फाग, मिलन की पींग दी, पींग झूला, साथी के मिलन का झूला दिया साथी ने। हर सेकंड उत्सव दिया, दिया किसने? साथी ने। साथी का साथी भूल गए, साथी और साथी के साथ को ही भूल गए तो जीवन के रंग भी उड़ गए। ऊपर से होली खेली, रंग लिपा पोती की, लेकिन भीतर के रंग तो उड़ गए। सुर्ख जो रंग दिए थे साथी ने, अपने प्रीत के रंग जो दिए थे, अपने होने के जो रंग दिए थे, अपने शाश्वत सत्य के जो रंग दिए थे, अविनाशी अमरता के रंग। मैं हूं ना, क्या मैं हूं ना, मैं हूं ना के जो रंग दिए थे साथी ने। जब साथी का साथी छूट गया, साथी छोड़ दिया, तो रंग भी छूट गए। साथी छूटा तो दीपोत्सव भी छूट गया, प्रकाश छूट गया, अंधकार ने घेर लिया, अज्ञानता रूपी अंधकार ने घेर लिया जब साथी का साथ छूटा। तो साथी छूटा, सुरक्षा का कवच भी छूटा। जब साथी नहीं है तो सुरक्षा कैसे? सुरक्षा तो साथी के साथ है ना। तो साथी छूटा तो सुरक्षा भी छूटी, डोरी भी छूटी, टूटी। साथी छूटा तो अधर्म की जीत हो गई, असत्य की जीत हो गई, अन्याय की, तृष्णा की, विपदा की जीत हो गई। कृष्णा हार गया, तृष्णा जीत गई।
गया दुख जीत गया, धर्म हारे गया अधर्म जीत गया। न्याय हार गया अन्याय जीत गया। किसकी वजह से? वजह कौन? वजह मैं। वजह कौन? वजह मैं कैसे वजह हूं? मैं अपने अविनाशी शाश्वत सत्य को भूल गया, मैं हूं कौन? मैं अपने शाश्वत सत्य को भूल कर असत्य के पीछे भागने लगा, मैं धर्म को भूल कर अधर्म के पीछे भागने लगा, मैं न्याय को भूल अन्याय के पीछे भागने लगा। ये भाग किसने शुरू की? मैंने। कृष्णा हार जाए, कृष्णा जीत जाए। शपथ लेते हो? भीतर में शपथ लेते हो तृष्णा हार जाए कृष्णा जीत जाए, अधर्म हार जाए धर्म जीत जाए, घृणा हार जाए प्रेम जीत जाए, अन्याय हार जाए न्याय। किसको? ये कौन उठाएगा बेड़ा? आप हर कोई अपने आप से शपथ, स्वयं से स्वयं शपथ लो। ये ना सोचो कौन देखता है, मैं जो करता हूं कौन देखता है, थोड़ा सा डंडी मार लूं चलो चलेगा, नहीं। पल 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 पर पल पल मुझे धर्म पर चलना है, धर्म पर मुझे चलना। मैं 99 चल रहे नहीं चल रहे मुझे नहीं पता, मुझे धर्म पर चलना है। 99 सत्य का साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे मुझे नहीं पता, मुझे सत्य का साथ देना, मुझे धर्म का साथ देना है, मुझे प्रेम का साथ देना है, मुझे नहीं पता सारी दुनिया। मैं क्यों देखूं सारी दुनिया को? दुनिया क्या कर रही? दुनिया को देखते हो तो दुनिया को देखते देखते तृष्णा को अपना साथी बना लोगे, अगर दुनिया को फॉलो करोगे तो। दुनिया को देखते देखते अधर्म की गाड़ी पकड़ लोगे, दुनिया को देखते देखते अन्याय का साथ देने लगोगे। दुनिया दुनिया देखो क्या कर रही है, मैं मुझे भी वही करना है। दुनिया को देखते देखते कब नफरत और घृणा में बदल जाओगे पता भी ना चले, कब ईर्ष्या का साथ पकड़ लोगे पता न चलेगा, क्योंकि आपने दुनिया को फॉलो किया। दुनिया जिधर जा रही है आपने आप ही पता नहीं चलेगा कब चल दोगे उसके पीछे पीछे, एक दिन में नहीं पता ही नहीं चलेगा। भीतर में वेट बढ़ने लगता है, 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम करते करते कब मोटे मोटे हो जाते पता भी नहीं चलता, कब भीतर में तृष्णा और कब लोभ, कब लालच, कब ईर्ष्या, कब भटकाओ, कब अस्थिरता अपने तंबू तानने लगती है, कब धीरे धीरे तानती है, एक दिन में नहीं तानती, और तानते तानते कैसे तान लेती है पता भी नहीं चलता। घुटनों की बीमारी आती है, कोई भी शरीर की, आंख की बीमारी, पैर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, एक ही दिन में थोड़ी, कल स्वस्थ था और आज आ गई, वो धीरे 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 पैर पसारती है। हमें तो तब पता चलता है जब आखिरी काम हो जाता है, आखिरी अटैक आता है तब पता चलता है। बीमारी तो पता नहीं कब से पल रही थी, हम कब से अधर्म के साथ हो लिए थे दुनिया को देखते देखते, हम कब अन्याय के साथ हो लिए थे पता नहीं, लेकिन अब क्या करोगे? कोई चले या ना चले, मुझे प्यार के साथ चलना है, शांति के साथ चलना है, धर्म के साथ चलना है। शपथ लो, सच्ची मनानी है ना कल, सच्चे सच्चे बादशाह से मिलना है ना कल,
मिलने की चाहत रखते हो ना कि सच्चा बादशाह मिल जाए, तो आज शपथ लो। बादशाह से मुलाकात भी तो बादशाह को चाहने वाले, बादशाह के मार्ग पर चलने वाले, बादशाह के सहयोगी ही तो कर सकेंगे मुलाकात। क्या समझे? किसी की पसंद का एक हीरो आता है तो वही पसंद वाले लोग ही उस हीरो के पीछे भागते हैं, दूसरे तीसरे साल दुनिया नहीं भागती। किसी की पसंद का गायक कहीं आता है तो वो अपने गायक को खोज के उसी गायक की भीड़ भागती है उसके पीछे, सारे थोड़ी भागते हैं। किसी जादूगर, जो जादूगर में बिलीव रखते हैं, बस वही लोग भागते हैं, सारे नहीं भागते। आप अपने पसंदीदा हीरो को चाहते हो, आप अपने पसंदीदा हीरो को नारायण को चाहते हो, आपकी मंशा है उससे मिलने की, तो उसकी चाहत को भी तो पसंद करना पड़ेगा। ये तो है नहीं, गीत किसी के पसंद करो और पहुंचो किसी की महफिल में। गीत तो आपको बादशाह के पसंद आए जो पॉप स्टार है, और पहुंचो आप पुराने गानों की महफिल में। ये पॉप स्टार और पुराने गानों की महफिल मिल नहीं सकती। जो पुराने गाने सुनने वाले हैं उनको ये पॉप स्टार का म्यूजिक समझ नहीं पड़ता, और जो पॉप स्टार वाले हैं उनको पुराने गाने समझ नहीं पड़ते। है तो दोनों ही म्यूजिक वाले। लेकिन जिसका जो पसंदीदा हीरो है, जो जो पसंदीदा, वो उसी की महफिल में जाएगा। तो क्या आप अपने हीरो की महफिल में सजना चाहते हो? आप चाहते हो आपका हीरो का दीदार हो जाए कल, सच्चा सच्चा दीदार? अभी तक तो अखियों के पीछे मनाते आए थे जन्माष्टमी, पर्दे के पीछे, पर्दे नक्शी था वो, मनाते थे कि हाँ एक हमारा हीरो है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई हीरो से। मुलाकात करनी है तो तैयारी कर लो, वही गीत पसंद आए जो वो गाए, तब मुलाकात बैठेगी। वरना आज जोर जबरदस्ती एक फैमिली में चार लोग पॉप स्टार वालों के, चार लोग पुराने गाने वालों के, आठों लोग एक महफिल में चले जाए, मजा नहीं आएगा। चार लोग मजा मारेंगे और चार लोग वहां परेशान होंगे, क्या बह बह लगा रखी है। पुराने वाले नए वालों को बह बह बोलेंगे, नए वाले पुराने वालों को, है दोनों ही संगीत में, दोनों की महफिल ही संगीत की है। एक को लगेगा बोर कर दिया, एक को लगेगा सरदर्द कर दिया। तो आप उसकी महफिल के आप जादूगर के, आप हीरो के, बादशाह के, महफिल के खास हैं, खास खास। तो कल बादशाह सलामत मिलेगा आपको पक्का। शपथ आज लेनी पड़ेगी। बादशाह धर्म के गीत गाता है, बादशाह
सत्य के गीत गाता है, पवित्रता के, सुख के, समर्पण के। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। बादशाह ये गीत गाता है। इन गीतों के नगमे अगर आपको पसंद है, इन जो अभी बताया, धर्म के, सत्य के, पवित्रता के, न्याय के, शुद्ध के, अगर ये नगमे आपको सुहाते हैं, इन नगमों में आपको सुर नजर आता है, तो आप कहो कि कोई चले या ना चले, मैं चलूंगा। स्वयं का परिवर्तन करना ही पड़ेगा नगमे सुनने हैं तो, वरना वही बात आ गई ना, नई पीढ़ी को पुराने गीत नहीं सुहाएंगे, पुराने को नए नहीं, वरना इस महफिल में बैठ ही नहीं पाओगे। बादशाह का दीदार कर ही ना पाओगे अगर आपने बादशाह वाले गीतों को सुनना समझना ना शुरू किया तो, ना चाहा तो, बादशाह के गीतों का मतलब ना समझा तो। बादशाह पर अपने नजर, कि बादशाह कोई गीत गाए और ऐसा गीत गाए, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं आरजू सजाऊं, अगर तुम कहो। बादशाह सलामत आपके प्रेम के गीत गाए जो आपके दिल को छू जाए। बादशाह आपको ऐसी सच्ची कथा सुनाए, सत्यनारायण की ऐसी सच्ची कथा सुनाए बादशाह, जो आपकी कथा हो। आप कहो ये तो मेरी कथा सुना दी बादशाह तूने, सत्यनारायण की कथा क्या है जो कथा आपकी कथा हो। सत्यनारायण हरेक की कथा से वाकिफ है। ऐसे थोड़ी वही जिन 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 करके कथा कहानी सी गा दो, वो कथा नहीं 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 सत्य कथा जो आपकी स्टोरी है, आपकी अपनी जो जन्मों जन्मों की स्टोरी है, आपकी स्टोरी। सत्यनारायण वो कथा सुनाए जो आपकी कथा हो। उस कथा को सुन के आपका दिल परिवर्तन होगा जो सत्यनारायण की कथा है। समझे, सत्यनारायण की कथा जो आपकी अपनी कथा है, जो सतयुग से लेके आज तक जितने भी रोल आपने प्ले किए हैं, वो कथा आपकी कथा। और सत्यनारायण क्यों सुना सकता है ये कथा, इतने जन्मों पुरानी पुरानी पुरानी, क्यों सुना सकता है सत्यनारायण? सत्यनारायण त्रिकालदर्शी है। देखो अपने अपने बादशाह का, अपने बादशाह का रोल देखो, रूप देखो, सत्यनारायण क्यों सत्यनारायण है सोचो। वो आप हर एक की सच्ची सच्ची कथा जानते हैं, इसलिए वो सत्यनारायण है, वो त्रिकालदर्शी है। उनके समक्ष
जितनी भी आत्माएं हैं सबकी कथा है उनके पास। आप सभी चाहते हो ना मेरा चिट्ठा खोल दे, चाहते हो ना मेरी जन्म पत्री बता दे सत्यनारायण, मेरी कमी कमजोरी मैंने जो कुछ किया वो सब खोल दे, चाहते हो जन्म पत्री खुलवाना, मैंने कब कब गड़बड़ घोटाला किया, गड़बड़ घोटाला किया तभी तो आज दुखी है। आज घोटाले का परिणाम ही तो मेरे सामने है। झाला बाला ना किया होता घोटाला घोटाला तो आज परिणाम भी सुंदर होता होता ना। तो अपने दीनानाथ से कहो, दिल से कहो, अपने सत्यनारायण से कहो, मना दे सच्चा सच्चा जन्मोत्सव मना देना। खाली ये थोड़ी पंजीरा बना लिया, अमृत बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, श्रृंगार कर लिया, थोड़ी देर का ढोंग धमाका मचा लिया और फिर जय राम जी की हो गई जन्माष्टमी ना। सच्ची सच्ची जन्माष्टमी का मतलब मेरे बादशाह सलामत उतर आए, मैं अपने बादशाह की नजर उतार लू, देख लू जी भर के, मैं तैयार हो जाऊं इस बात के लिए, मेरे सत्यनारायण मेरी चिट्ठी खोल दे, मैं तैयार हूं। और जो कुछ लिखा है चिट्ठी में और मुझे क्या करना है उसके परिवर्तन के लिए, वो सब जरा बताने का थोड़ा कर लो ना कष्ट। तुम्हें तकलीफ तो होगी मेरे पिछले सारे खाते खोलने में और उनका समाधान बताने में, लेकिन थोड़ा सा कर लो आप भी, मैंने तुमसे प्यार किया है। मैंने तुमको चाहा है, मैंने अपना संबंध बनाया है तुमसे, अपना रिश्ता बनाया है, मैंने तुमको अपना सतगुरु माना है, मैंने अपना तुमको सतगुरु माना है। मेरे जीवन का दिया माना है मैंने तुमको, मेरे जीवन का आधार मानना है तुमको, संपूर्ण सत्य मानना है मैंने अपने जीवन का, संपूर्ण सत्य तुम हो, मेरा आईना तुम हो, मैंने तुमको अपने जीवन का संपूर्ण अध्याय माना है, सत्ययुग के फर्स्ट डे से लेके और आज तक का अध्याय, मैंने तुम्हें अपने जीवन का संपूर्ण अध्याय माना है। तुम जानते हो मेरी करनी को, तुम जानते हो मेरी मिस्टेक को, कब कब कहां कहां कैसे मैंने मिस्टेक की, मिस्टेक करते करते मैं कब तुमसे दूर हो गया, ये बात तुम जानते हो, मैं नहीं। सुनो, मेरी जन्म पत्री खोलना चाहोगे
मेरी गलतियों से मुझे वाकिफ कराओगे। उन गलतियों को सुधारने में मेरी मदद करोगे। बोलो करोगे क्या? मैं हर रोज तुम्हारे पास आऊंगा, तुमसे बातें करूंगा, तुम्हारा बन जाऊंगा और तुम्हारा बनते बनते तुम्हें अपना बना लूंगा। ये तो मैं कर ही सकता हूं, ये तो मेरे वश में है। दोस्ती बनाना मेरे वश में, मैं बना लूंगा। आज नहीं, आज मनाऊंगा, कल मनाऊंगा, परसों मनाऊंगा, मनाता रहूंगा कब तक? एक दिन तो तुमको भी कहना पड़ेगा। अभी मैं कहता हूं तुम मेरे मैं तुम्हारा, फिर तुम्हें कहना पड़ेगा तू मेरा मैं तेरा। मैं मनाऊंगा किसको? अपने शाश्वत शक्ति को मनाऊंगा। अपने मसीहा को मनाऊंगा मैं, अपने साबू को मनाऊंगा मैं। हाँ साबू है वो, सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य रखने वाला साबू। बचपन में बच्चों की कहानी में सुना ना साबू। ढूंढ के ही मानूंगा। जो सड़क तुम तरफ जाती है, जो सड़क वो राह मैंने पकड़ ली है, जो तुम की तरफ जाती है जो सड़क। तुम्हारी ओर आने वाले रास्ते में वो सारे झंडे मैंने उठा लिए हैं। सत्यता का झंडा, प्रेम का, आनंद का, समर्पण का झंडा मैंने उठा लिया है। इनको पकड़ते पकड़ते मैं आ जाऊंगा। मैंने बोला ना मैं आ जाऊंगा। बड़ी दूर भई, बड़ी दूर भई नंद लाला, तेरी रात तकत बजबाला। बड़ी दूर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रिजबाला। वृंदावन की कुंज गलिन में कहाँ है मुरली वाला, रे बड़ी देर भई।
वृंदावन की कुंज गलिनों में कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदुल लो तेरे को। मैं चल के आऊंगी। तो जहां है जिस मोड़ पे तेरा पता खोजते खोजते मैं पहुंच जाऊंगी।